और सबका स्वागत है एक नए चोचलेबाजी वीडियो में। तो आज की वीडियो आज सुबह सुबह बन रही है और 7 बज गए हैं। शाम को बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, लगभग 11 बज जाता है और मुझे नींद इतनी भयानक आती है कि वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही बनाना है तो बना के बस अपलोड करना होता है और कुछ करना नहीं होता। तो मैं क्यों ना सोचा कि रोज़ शाम को रात को बनाने से अच्छा आज थोड़ा सुबह बना लेते हैं और सुबह ही अपलोड करेंगे, क्योंकि शाम को थोड़ा फ्री रह जाएंगे तो जल्दी सो जाया करेंगे, मज़ा भी आया करेगा। और चलिए आज आपको इस चोचलेबाजी वीडियो में हम कुछ चीज़ें दिखाएंगे। अभी देखो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ एक फ्लाई ओवर है ये, और मेरे पीछे देखो रेल की पटरी दिख रही होगी और शायद एक ट्रेन भी आ रही है, अभी थोड़ी देर में पहुँच जाएगी और नज़दीक तो आपको पता चल जाएगा। देखो अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये फ्लाई ओवर बनने से पहले बहुत टाइम लगा इसे बनने में, और बन जाने के बाद भी इसका कोई उद्घाटन नहीं हुआ, बस ऐसे ही चालू हो गया, आना जाना चालू हो गया लोगों का। और इधर क्या बोलते हैं, इधर से निकला है और इस साइड जाके ये ख़त्म हुआ है, और मतलब दोनों साइड जाए, इधर से बोलो चाहे उधर से बोलो दोनों साइड आने जाने का रास्ता है। और अभी और कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, पहले आपको ट्रेन दिखा देते हैं क्योंकि थोड़ा हम ऊंचाई पे खड़े हैं। और अभी देखो सुबह का टाइम था तो बस मैं ऐसे रनिंग वनिंग करने अपना आ गया घूमने टहलने। मैं सोचा क्यों ना आज इस काम को, मतलब यार मेरे के लिए ना समझो मीठा खाने का काम है, मेरे लिए ज़रूरी होता है, मजबूरी है, जो भी कुछ है तो करना होता है। तो देखो ट्रेन आ गई और अब ट्रेन इस फ्लाईओवर के नीचे से निकलेगी और इधर को जाएगी। इधर भी एक रेलवे स्टेशन है और पीछे भी एक रेलवे स्टेशन है। इधर पुरी है, मतलब जगन्नाथपुरी मत समझना, कोई पुरी है, नाम नहीं बताऊंगा। और इधर एक लोई है, इसका नाम लास्ट में लोई है। और ट्रेन का डिब्बा खाली जा रहा है, इसमें ये मालगाड़ी है तो इसके अंदर हो सकता है ब्लैक डायमंड कोयला वगैरह लग के आता हो। तो चलिए आपको कुछ थोड़ा इसके बारे में, इस फ्लाईओवर के बारे में और आसपास चीज़ें दिखाता हूँ और बताता हूँ कैसा है और कौन सी जगह है। ये जगह का नाम तो नहीं बताऊँगा, ऐसे बस ऐसे देख लो, थोड़ा आगे चलते हैं और दिखाते हैं इस चीज़ के बारे में। तो थोड़ा और पास में आते हैं, अभी देखो इस फ्लाईओवर के ना इस साइड और इस साइड दोनों साइड घर हैं, ये घर हैं तो इसमें कुछ घर टूटे हैं, टूट के फ्लाईओवर बना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि अभी जैसे इधर से जाने का रास्ता और उस साइड आने का रास्ता है, तो मतलब इसी रास्ते आगे जाके ऐसा चीज़ें ख़त्म होता है क्योंकि एक साइड का अभी बना नहीं है, मकान वगैरह तोड़ने पड़ेंगे। चलिए वो भी दिखाते हैं आप, आइए अब इसके नीचे का दिखाता हूँ मैं कैसे है नीचे। तो देखिए ये नीचे है, ये सब कुछ मकान टूटे हैं, टूटने के बाद ही ऐसा ही बना है, थोड़ा बहुत उसके बाद भी ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। सुबह का टाइम है, देखो जब यार फ्लाईओवर बना था ना, मतलब आज से 4 दिन पहले ना इस पर कोई लोग आते जाते नहीं थे, लेकिन आज 4-5-6 दिन हो गया, जो भी कुछ है मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर इस फ्लाईओवर पे इतनी ज़्यादा गाड़ी मोटर आने लगी कि बहुत बच के चलना पड़ता है, क्योंकि सुबह के टाइम पर वर्कआउट करने में ऐसे थोड़ा मैं सोचा अच्छी जगह होगी और अच्छी जगह भी थी, बट ये अच्छी जगह नहीं बनी रह गई क्योंकि इस पर बहुत सारी गाड़ियाँ आती जाती हैं। और इसके बाद यहाँ पे शाम को क्या बोलते हैं इसको अड्डा बना लेते हैं शराब का, इन पटरियों पे बैठ के लोग पीते हैं, ना इसमें लाइट जलती है ना कुछ जलता है, अभी जश्न नया बना हुआ है तो आराम से मौज करते हैं लोग। तो सज्जनों आपको मैं बताऊंगा कि ये अभी इसका उद्घाटन किस कारण से नहीं हुआ होगा, क्योंकि भला रोड का उद्घाटन इस देश के नेता मंत्री ना कर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनको अपनी PR और अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी होती है, तो बस जाते हैं और कुछ नहीं करते, जब तक बनता तब तक नहीं आते, बनने के बाद आते हैं जब रोड का उद्घाटन करना होता। तो देखो सबसे पहले देखा ऐसे एक कार क्रॉस हो रही है, इस पर बैरिगेट नहीं बना, जैसे यहाँ पे बना हुआ ऐसे नहीं बना, उसके पीछे कारण क्यों है, क्योंकि बहुत मतलब इसी रोड पे पहुँचने वाली जगह पे जहाँ मुझे जाना है वहाँ पे पहुँच गया। अब इधर आपको दिखाऊंगा ना, इतने ज़्यादा घर हैं कि एक घर पे कूदोगे तो दूसरे घर पे, तीसरे घर पे, चौथे घर पे, पाँचवें घर पे, छठे घर पे, ऐसे करके पहुँच जाओगे। देखो इधर कितनी ज़्यादा आबादी है, बहुत ज़्यादा घनी आबादी है, और ये पीछे रोड है और रोड आगे जाके जस्ट ख़त्म हो जाएगा, जिधर से गाड़ियाँ मोटर आ रही हैं इधर बहुत ज़्यादा, बस अभी इस पर 2-व्हीलर चल रही हैं, 4-व्हीलर चल रही हैं, अभी 4-व्हीलर छोटे गाड़ियों में, कमर्शियल गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी आने के लिए इधर रास्ता नहीं है, अभी बंद कर रखा है इन्होंने पूरा हर चीज़ें। तो देखिए यहाँ की कैसी चीज़ें हैं, कैसा घर है यहाँ पे, इतने छोटे छोटे घर हैं। और इस घर पे क्या यार, ये रंग बिरंगे कलरफुल घर हैं, किसी के घर का कैसा सीन है मुझे नहीं आइडिया, बट अच्छा है जो भी कुछ यार, इनको घर मिला रहने के लिए थैंक यू सो मच। और आगे झंडा भी है और एम्बुलेंस भी जाना चालू हो गए, और इधर का भी सेम कहानी हुई, इधर थोड़े बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े मतलब हाँ थोड़े से हैं, बड़े ज़्यादा नहीं हैं। और भाई हमारी एनर्जी तो पूरी लूज हो गई है, लूज मतलब ख़त्म हो गई, अब चलते हैं कुछ खाना पीना खाते हैं
और मिलते हैं फिर कल एक नई चुचलवाई वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।